बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राहुल उकमान, योर साइंस टीचर। आज का साइंस का जो हमारा टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस के हवाले से है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है यानी मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ लाइफ में किस तरह से हेल्पफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेल्थ में जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, फॉर क्योरिंग डिजीज़। इस तरह से क्या होता है कि हेल्थ का जो मतलब निज़ाम है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब बीमारियाँ होंगी तो उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, और अगर बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यानी बीमारियों पर काबू पाया जाएगा, डिजीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट मुमकिन होगा, तो उस सूरत में हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो क्या होगा, हेल्थ का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यानी इन द पास्ट अगर हम देखें कि यानी माजी में यानी बहुत सी बीमारियों का इलाज जो है वो मुमकिन नहीं था, लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत जो है यानी बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज मुमकिन नहीं था आज जो है उनका इलाज जो है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बड़ी आसानी से मुमकिन हो गया है। तो इसमें जो मेजर रोल है हम पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मेजर रोल जो है वो क्या है, यानी प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, यानी बीमारियों का मुकाबला करने के लिए जो है यानी मेडिसिन तैयार की जा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, यानी कुछ हेरिडिटरी डिजीज हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, तो उनकी जो ट्रीटमेंट है उनका जो क्योर है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो मुमकिन हो गया है। तो ये था मेजर रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो यानी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं, मेडिसिंस हैं, वैक्सीन्स की तैयारी है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी। तो ये सब के सब जो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स हैं ये क्या काम करते हैं कि जाहिर सी बात है इनके ज़रिए ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज जो है वो यानी पॉसिबल हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो लाइफ सेव हो गई है, ज़िंदगी का बचाव मुमकिन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनने वाले प्रोडक्ट्स और उनके यूजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है इंसुलिन। क्या है इंसुलिन? ये यूज़फुल है डायबिटिक्स यानी डायबिटीज़ के पर्सन के लिए, शुगर के मरीजों के लिए जो है इंसुलिन अब जो है यानी मसनूई तरीके से तैयार की जा रही है। ठीक है, तो इसके अलावा वैक्सीन्स, ये वैक्सीन्स जो हैं ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है बनने वाला प्रोडक्ट है, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शस डिजीज़, बहुत सी इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियों के लिए जो वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाई जा रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। दीज आर यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है, आर्टिफिशियली मेड है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो ये जो है ग्रोथ को जो है वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा बीटा एंडोर्फिन जो है ये पेन किलर ड्रग, ठीक है, इसी तरह इंटरफेरॉन ये एंटीवायरल प्रोटीन है। ये दीज आर द प्रोडक्ट्स मेड बाय द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ठीक है, इसके बाद हम मुख्तलिफ टेक्निक्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। उसमें सबसे पहले जीन थेरेपी है। क्या है जीन थेरेपी? जो है ये एक एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है, और ये किस लिए इस्तेमाल होती है, यूज्ड टू क्योर जेनेटिक डिजीज़। जितने भी हेरिडिटरी डिजीज़ हैं जिनमें जीन्स में जो है वो डिफेक्ट आ जाता है, तो मतलब उनके इलाज के लिए जो है वो जीन थेरेपी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो जीन थेरेपी में मतलब जिन जो जेनेटिक डिजीज़ हैं उनका इलाज किया जाता है, उसमें कैंसर है, एड्स वगैरह। ठीक है, इसमें होता क्या है कि डिफेक्टिव जीन को जो है
रिप्लेस किया जाता है यानी नॉर्मल जीन के साथ, यानी डिफेक्टिव जीन को हटाकर जो है उसकी जगह नॉर्मल जीन लगाकर जो है इस तरह से जेनेटिक डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है वो है हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, तो ये जेनेटिक टेस्टिंग भी जो है बहुत अहम है। किस हवाले से? मतलब डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़, यानी जेनेटिक जो टेस्टिंग का तरीका है या ये जो टेक्निक है ये इस्तेमाल होती है यानी पता चलाने के लिए, इनहेरिटेड डिजीज़ की शनाख्त करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है जेनेटिक टेस्टिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन किया जाता है डीएनए मॉलिक्यूल का, यानी डीएनए मॉलिक्यूल को हम डायरेक्ट यानी जो है वो स्टडी करते हैं और टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यानी जेनेटिक टेस्टिंग का जो टेक्निक है ये किसी चाइल्ड पैटर्निटी या मतलब किसी पर्सन की एंसेस्ट्री यानी उनके आबाओ अजदाद का पता चलाने के लिए जो है जेनेटिक टेस्टिंग जो है इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? यानी जेनेटिक एनालिसिस में इस्तेमाल होती है। जेनेटिक एनालिसिस में क्लोनिंग का तरीका, इसमें एनिमल क्लोनिंग के ज़रिए जो है यानी मुख्तलिफ किस्म के यानी अच्छे प्रोडक्ट देने वाले जो यानी ज़्यादा दूध देने वाले और गोश्त देने वाले एनिमल्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और एनिमल ऑर्गन्स तैयार किए जाते हैं। वेल बिल्ट लाइफ स्टॉक यानी इसमें जो है यानी जो यानी घरों में पाले जाने वाले जानवर जो है वो तैयार किए जाते हैं आला नस्ल के। ठीक है, इसके बाद हम चूँकि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ पढ़ रहे थे मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ लाइफ में, पहले हमने हेल्थ में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने यानी बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनने वाले प्रोडक्ट्स को स्टडी किया। इसी तरह अब हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसमें पॉल्यूशन है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, इसके अलावा सीवेज वाटर है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये यानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यानी इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, यानी एनवायरमेंट में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। इसमें सबसे पहले क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स वगैरह को जो है इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड रिफ्यूज, यानी हम जो है यानी सीवेज वाटर को यानी ठिकाने लगाने के लिए और इसी तरह रिफ्यूज यानी कूड़ा क्रिकेट को ठिकाने लगाने के लिए और उनका बेहतरीन जो है वो यूज़ उसका उनसे फ़ायदा हासिल करने के लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल, यानी जो मतलब लीकेज की वजह से जो ऑयल जो है वो लीक हो जाता है, पानी में शामिल हो जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए जो है वो माइक्रोब्स या बायोटेक्नोलॉजी का तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह माइक्रोब्स आर यूज एज बायो पेस्टिसाइड्स, इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स और बायो सेंसर्स के तौर पर जो है यानी इस्तेमाल करने के लिए जो है हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इस तरह आज का हमारा टॉपिक एंड होता है, जिसमें दोबारा से मैं आपको ज़रा ब्रीफ कर दूं कि हमने यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ पड़ा है हेल्थ के शोबा में और इसी तरह एनवायरनमेंट में, यानी हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी जो है वो करते हैं और इसी तरह जो है हम अपने एनवायरनमेंट को जो है वो क्लीन भी करते हैं, यानी पॉल्यूशन को यानी ख़त्म करने में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। और इसी तरह हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के और उनके यूजेस के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने मुख्तलिफ किस्म की बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स भी पढ़ी हैं। ठीक है, मुख्तलिफ यानी डिजीज़ और ख़ास तौर पर जेनेटिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू।